कलेक्टर बहू। चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी, पांव जमीन पर रहे हौसला आसमां छुए, पांव जमीन पर रहे हौसला आसमां छुए। इस जज्बे शादी नहीं करना चाहती? मैं अपने सपनों का गला नहीं घोट सकती पापा। तो फिर मेरा गला घोट दे बेटा। एक बार फिर से सोच लीजिए, रिश्ते हमेशा बराबर वालों में ही अच्छे लगते हैं। इन्होंने अपने बेटे शिवराज सिंह की शादी मेरी बेटी साक्षी से करने का आग्रह किया। ये मेरी बेटी साक्षी के लिए अच्छे किस्मत की बात है कि एक क्लर्क की बेटी इतने बड़े जागीरदार खानदान की बहू बने। आप सभी लोग तालियां बजाकर मेरे मित्र की इस मित्रता को सैल्यूट करें। अंकल, आज हमें दो दो खुशियां एक साथ मिली है। एक तरफ साक्षी ने एग्जाम पास करके नया इतिहास रचा है, तो दूसरी तरफ उसकी शादी एक जागीरदार परिवार में तय हुई है। इस खुशी के मौके पर हमारे कॉलेज के रॉकस्टार मिस्टर राज आज एक गीत प्रस्तुत करेंगे। मिस्टर राज, प्लीज कम। दोस्तों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा शिवाजी को। जो हमारी दोस्त को हमसे छीन रहे हैं, आपकी किस्मत पे हमें नाज है। दोस्तों, तकदीर का एक अजीब खेल देख रहे हैं आज। बस जिंदगी की ऐसी सच्चाइयों से जुड़ा एक गीत पेश करता हूं। फर्क का नाम है जिंदगी, पांव जमीन पर रहे हौसला आसमां छुए, पांव जमीन पर रहे हौसला आसमां छुए। जज्बे का नाम है, नाम है जिंदगी। इस जज्बे का नाम है, नाम है जिंदगी। मंजिलों को छू रहे हो जाए खफा, मंजिलों को छू रहे और वक्त हो जाए खफा, तकदीरों के इस तमाशे का नाम इस त
तमाशे का नाम है जिंदगी। वाह बेटा राज, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गीत गाया तुमने। अच्छा हाँ, अब एक बार और इससे भी अच्छा गीत तुम्हें गाना होगा, शिवा और साक्षी के विवाह। क्यों था? है ना? अरे जरूर मेरे दोस्त, वो क्या है ना, इससे भी बड़ी महफिल होगी, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी और हमारे खानदान के जो रिश्तेदार बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे, वो रौनक कुछ अलग ही होगी, देखना बस। ओ मेरे संकट मोचन, मेरे भगवान, मेरे देवता, मेरे पवन पुत्र हनुमान, आज आपने मुझे मेरी भक्ति का प्रसाद दे दिया। अरे मेरी बेटी साक्षी इतने बड़े खानदान की बहू बनेगी। मुझे मेरे जीवन में इतने बड़ी खुशी की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ओ प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बारंबार आपका शुक्रिया प्रभु, बारंबार आपका शुक्रिया। सच है, जीवन में आगे आने वाले पलों का कुछ पता नहीं होता है। कुछ पल पहले साक्षी के पिता कितने दुखी थे और अब देखो कैसे खुशी के समुद्र में तैर रहे हैं। अरे साक्षी की माँ बधाई हो, बधाई हो, जागीरदार खानदान की समधन बनने वाली है आप। लेकिन इतना बड़ा फैसला करने से पहले साक्षी से पूछ तो लिया होता, आखिर शादी तो उसे करनी है ना। अरे साक्षी की माँ तुम होश में तो हो, साक्षी से क्या पूछना और क्यों पूछना। हाँ अगर मैं कोई समझौता करते हुए ऐसा वैसा रिश्ता लाता तो फिर सबकी सलाह लेता, सबसे राय मशवरा करना चाहिए था फिर तो, तब मैं साक्षी से भी पूछ लेता। लेकिन ये रिश्ता तो अमीरों में अमीर, इंसानियत के बादशाह, दोस्ती की मिसाल, मेरे दोस्त के बेटे से तय हुआ है, और वो भी राजकुमार शिवा जैसे, शिवा जैसे राजकुमार के साथ। अरे उसके लिए किसी से क्या पूछना, साक्षी से, साक्षी से। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे, आप अपनी सोच से बाहर निकलिए। ठीक है ठाकुर साहब और उनका बेटा शिवा बहुत अच्छे लोग हैं, रईस लोग हैं, लेकिन क्या हमारी बेटी जो इतनी पढ़ी लिखी है उस बिजली गुल गांव में पांचवी पास पति के साथ खुश रह सकेगी। अरे साक्षी की माँ, अनुभवों की नजरों से ही दुनिया का असली चेहरा समझ में आता है, बातों की जुगलबंदी से नहीं। चार किताबें क्या पढ़ ली साक्षी ने तो उसने दुनिया जान ली, समझ ली सारी दुनिया, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं समझा उसने। अरे उसके जैसे टॉपर सड़क पे घूमते फिरते हैं ऐसे ही नौकरी तलाशते हुए, मेरे ऑफिस में भी एक टॉपर है, मुझसे कम तनख्वाह पाता है। साक्षी को एक बड़ा राजघराना मिला है, जरा सोचो। ईश्वर जाने आपकी बातें सच है या फिर साक्षी के तर्क, पता नहीं, वो तो रात दिन रोती रहती है और मुझसे कहती है कि उसे बेटी होने की सजा मिल रही है। क्या कहा, बेटी होने की सजा मिल रही है साक्षी को इस घर में? ठीक है मैं खुद उसे बात करूंगा, ये ज्यादा किताबों का नशा इंसान को जबरदस्ती हवाओं में उड़ाता है, हकीकत से दूर कर देता है, मैं बात करूंगा उससे। आ जाओ सर। सर हमारा होटल का किचन 11 बजे बंद हो जाता है, एनी ऑर्डर प्लीज। अरे मेरे भाई
आज हमारे दोस्त ने हमें बहुत खिला पिला के भेजा है। हाँ, सुबह 7 बजे गर्मा गर्म दूध दे दो। यस सर। क्यों बेटा, और कुछ चाहिए? नहीं पापा, बस दूध दे। यस सर। 2 ग्लास गर्मा गर्म दूध। यस सर। बेटा, आज हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आज हमारे दोस्त ने ये रिश्ता स्वीकार कर हमें गदगद कर दिया। बेटा, आज हम बहुत खुश है, बहुत खुश। बेटा, मैं तो सोच रहा हूं कल जाके गोद भराई की रस्म कर दूं और विवाह का शुभ गणेश कर दूं। बाबूजी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो बेटा, पूछो। बाबूजी, हमें लगता है हम एक बार साक्षी जी की भी राय ले लेनी चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो इस विवाह के पक्ष में है भी या नहीं। आखिर वो शहर में पढ़ी लिखी लड़की है, उसके भी कुछ ख्वाब होंगे। वाह बेटा, आप हमारी होने वाली बहू के बारे में उसके मन की बात जानने लगे और उसके ख्वाबों को समझने लग गए। बेटा, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। आपकी ये बात सुनके हमें आपकी माँ की याद आ गई। बाबूजी, इस बात का और माँ का क्या संबंध? बेटा, संबंध है। बेटा, तुझ में तेरी माँ का एक एक गुण है। जब तेरी माँ मुझसे पहली बार मिली थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी लड़की के साथ रिश्ता करो तो उसकी राय जान लो। जोर जबरदस्ती विवाह के कट्टर विरोधी थी। हाँ बाबूजी, हम भी विवाह के बारे में जोर जबरदस्ती के कट्टर विरोधी हैं, और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि एक बार आप साक्षी जी के दिल की बात जान लीजिए, ये रस्में बाद में कर देंगे। बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब शादी आपको करनी है तो कल आप जाके उससे मन की बात पूछ लो। और बेटा, हमें पूरा विश्वास है कि इस रिश्ते को वो मना नहीं करेगी। और साक्षी के मन की बात तो हम जान चुके हैं बाबूजी, बस कल उनके मुंह से सुन ले। अरे कौन इतनी पढ़ी लिखी शहरों की चकाचौंध में पली लड़की हम जैसे 5वीं पास बिजली गुल गांव के लड़के से विवाह करेगी? नहीं, ये विवाह नहीं हो सके। नहीं। ठाकुर बेटा, ये तेरा बड़प्पन है कि तूने अमीर और गरीब की खाई को पाट करके एक नई रिश्तेदारी की शुरुआत की। बाबूजी, इसे बड़प्पन मत कहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि साक्षी विद्वानों की विद्वान बेटी हमारे घर में बहू बनकर आ रही है। ठाकुर साहब, ये हमारी साक्षी का अहोभाग्य है कि वो आपके जैसे घराने की बहू बनकर जाएगी। ठाकुर साहब, आपने ये मिडिल क्लास फैमिली को इतनी इज्जत दे दी, आप धन्य हैं। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कर ले। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। सबसे पहले तो बात यह है कि मेरा बेटा शिवा साक्षी से अकेले में बात करना चाहता है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस गरीब बाप की तुझसे कि ऐसा कुछ मत करना कि इस विवाह में विघ्न पड़े, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कलेक्टर बहू। अरे ठाकुर, शिवा और साक्षी एक दूसरे के बाल सखा हैं, बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। हमारा घर तुमसे छिपा नहीं है और तुम्हारा खानदान भी हमसे छिपा नहीं है, तो फिर शिवा को साक्षी से ऐसे अकेले में बात करने की क्या जरूरत है? अरे मेरे दोस्त, मेरा एक उसूल है, शादी स्वयं की मर्जी से की जाती है, जबरदस्ती थोपी नहीं जाती।
दोनों को आपस में बातें करने दो, जीवन तो इन्हें ही साथ गुजारना है ना। हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नई पीढ़ी के लोग हैं और हम लोग तो पुराने जमाने के लोग हैं। अब इन लोगों के मन में क्या है हम क्या जाने। तो भाई साहब, हमें तो कोई एतराज नहीं है। आइए कुंवर साहब, आप जो भी साक्षी से सवाल जवाब करना चाहते हैं ना, पूछ सकते हैं। मैं आपका नाश्ता वहीं लगा देती हूँ, आइए ना, आइए। ठाकुर भाई, आप नाश्ता करो, मैं अभी एक मिनट में आया। हाँ हाँ, आइए कुंवर साहब, आइए ना, आराम से बैठिए यहाँ पे। कुंवर साहब, आपकी माँ और मैं दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। जब आप और साक्षी दोनों छोटे थे तो हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, आप दोनों का विवाह करके हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। खैर, वक्त गुजर गया, बात भी गुजर गई, अब तो मेरी सहेली भी इस दुनिया में नहीं है। देखिए ना कुंवर साहब, हमारा सोचा हुआ सपना यहाँ तक तो पहुँच गया है, अब आगे ईश्वर की मर्जी है। कुंवर साहब, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ साक्षी के विषय में। साक्षी इस दुनिया से कुछ हटकर है, वो जो कुछ भी सोचती है ना, जो कुछ भी समझती है, वो सबको समझ नहीं आता है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कुंवर साहब, मैं उसे लेकर आती हूँ। तू अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो पहले मेरा जला घोंट दे, फिर कर अपने सपनों को पूरा, फिर कर अपने सपनों को पूरा, अपने सपनों को पूरा। सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने में पूरे उम्र गुजर जाती, उम्र गुजर जाती, उम्र गुजर जाती, और बेटियों की उम्र चली जाए तो फिर कौन विवाह करता है उनसे, फिर कौन विवाह करता है उनसे। बेटा, बेटा, मैं तेरी हालत समझ रहा हूं। कुंवर शिवराज सिंह इस विवाह के संबंध में तुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं। देख देख बेटा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। वो सपना पूरा होने जा रहा है जो हर बाप अपनी बेटी के लिए देखता है। बेटा, ये रिश्ता तय हो चुका है, अब इसमें बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो ठाकुर खानदान के लोग हैं, उनके लिए जुबान और समाज में सम्मान ये बहुत मायने रखता है। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस गरीब बाप की तुझसे कि ऐसा कुछ मत करना कि इस विवाह में विघ्न पड़े। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं बेटा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कल हमने बहुत सी चीजें देखी, सुनी और समझी भी, और कुछ जुगाड़ करके हमने गोद भराई की रस्म रोक दी है। कलेक्टर बहू, अब देख लो, फैसला तुम लोगों पर है। Thank you.
आज कुंवर साहब, अब आपको साक्षी से जो कुछ भी पूछना है ना, आप पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने भविष्य का और दोनों खानदानों के लिए जो कुछ भी बेहतर हो ना, सोचिए, फिर बाद में फैसला लीजिए। कुंवर साहब, मैं आपसे भी कह रही हूँ और साक्षी से भी कह रही हूँ, देखिए, हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब आप लोगों को जीना है। इसीलिए अच्छा बुरा दोनों मिलकर सोचिए और फिर फैसला लीजिए। भाई साहब, आपके आदेशानुसार मैंने दोनों बच्चों को एक कमरे में मिला दिया है। अब तक तो दोनों में बातचीत भी शुरू हो गई होगी। अब बस आपसे एक निवेदन था। हाँ भाभी जी, बोलिए, क्या निवेदन है? आप बस आदेश दीजिए। अब भाई साहब, अभी दोनों बच्चे नादान हैं, उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, ना ही उसे समझी है। वो नहीं जानती है दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं। बस अरे बहू, इतनी परेशान क्यों होती हो? आज की नौजवान पीढ़ी बहुत समझदार पीढ़ी है। गलती हमसे हो सकती है, ये नौजवान पीढ़ी से नहीं हो सकती। अब हम क्या करें साक्षी जी? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बड़े संकट में पड़ गई आपकी जिंदगी, पता है? कल हमने बहुत सी चीजें देखी, सुनी और समझी भी, और कुछ जुगाड़ करके हमने गोद भराई की रस्म रोक दी है। साहब, ये मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है? आपको साक्षी के साथ रिश्ता पसंद है या नहीं, बोलिए। आप कुंवर साहब, आपकी खामोशी का मतलब हम क्या समझें? आपको हमारी बेटी साक्षी पसंद नहीं है क्या? एक शर्त पे हम अपनी बात कहेंगे।